Good morning, Mr. Harris. We have second year with paper guidance and counseling निर्देशों और परामर्श के अंतर्गत हम लोग निर्देशन की आवश्यकता के बारे में अध्ययन कर रहे थे. आज हम देखने वाले हैं निर्देशन की आवश्यकता के अगले तीन बिंदु, जिसमें सबसे पहली बात आती है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, है ना. निर्देशन की आवश्यकता में अब जो आ रहा है हमारा थर्ड पॉइंट, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेडिटेशन किस तरह से आवश्यक है, इसे समझना हमारे लिए जरूरी है. क्योंकि मनोवैज्ञानिक पक्ष कुछ ऐसे होते हैं जो बालक के मेडिटेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उनके लिए उन्हें मेडिटेशन की आवश्यकता होती है. सबसे पहली बात है व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार विकास. सबसे पहली चीज समायोजन. ठीक है, उचित समायोजन यानी कि समायोजन चाहे बालक जहां भी है, समाज में है, विद्यालय में है, मित्रों में है, परिवार में है, कहीं भी है, व्यावसायिक क्षेत्र में कहीं भी है, सबसे अहम होता है समायोजन. यानी कि बालक को समायोजन, बालक में समायोजन करने की क्षमता का विकास करना, अर्थात उसे इस तरह से प्रशिक्षित करना कि जहाँ भी जिस भी स्थान पर बालक है वहाँ की समय परिस्थिति के अनुसार, कला के अनुसार, समाज के विभिन्न नियमों के अनुसार, नीतियों के अनुसार अपने आप को समायोजित कर. अगली बात आती है संवेगात्मक भावात्मक विकास. संवेगात्मक एवं भावात्मक विकास, ये भी एक मनोवैज्ञानिक विचार था. मतलब बालक की भावनाओं से उसके कहना चाहिए इमोशन से संबंधित है. अतः हम संवेगात्मक स्थिरता भावात्मक नियंत्रण अनिवार्य है. क्योंकि संवेगात्मक स्थिर अवस्था में बालक या बहुत अधिक प्रसन्न होगा या बहुत क्रोधित होगा, ईर्ष्या, जलन, भय, ऐसी बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं जो संवेगात्मक रूप से बालक को अस्थिर बनाती है. भावात्मक रूप से बालक का नियंत्रित होना बहुत अनिवार्य है. इसलिए संवेगात्मक और भावात्मक विकास को नियंत्रित करना, उसका उचित विकास सकारात्मक यानी कि नियंत्रण को का प्रशिक्षण अनिवार्य है. जो निर्देशन के माध्यम से बालक को अपनी संवेगात्मक भावनाओं पर या संवेगात्मक और अस्थिरता को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निर्देशन आवश्यक होता है. अगली बात आती है व्यक्तित्व के विकास के लिए. व्यक्तित्व के विकास के व्यक्तित्व के विकास यानी कि एक बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है कि वह
उसको उचित निर्देशन प्रदान करना कि व्यक्तित्व से संबंधित बहुत सारे गुणों को उसने विशेषताएं योग्यताओं का होना अनिवार्य। निर्देशन के माध्यम से एक उचित और प्रभावी व्यक्तित्व निर्माण में जिन क्षमताओं कौशल गुणों की आवश्यकता होती है उसके लिए निर्देशन की आवश्यकता अनुभव की जाती है, निर्देशन आवश्यक होता है। अगली बात आती है अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश के समय यानी कि अपने नियमित जो क्रियाकलाप उससे जब बालक व्यक्ति फ्री होता है, खाली समय होता है, उस समय एक तरह से कहा जाए कि अनाव्यर्थ का समय व्यतीत करता है या खराब करता है। तो ऐसे में जो एक उचित निर्देशन की प्रक्रिया के माध्यम से बालक जब एक अवकाश के समय है, खाली समय है, उस वक्त किस तरह से सदुपयोग कर सकता है, कौन सी गतिविधि है, कौन सी उसकी योग्यताएं क्षमताएं हैं, उनके अनुसार कौन सी क्रियाकलाप में अपने आप को व्यस्त रख सकता है, जिससे कि एक उत्पादक रिजल्ट सामने आए, प्रोडक्टिव रिजल्ट उसके सामने आए जो कि उसके व्यक्तित्व के निर्माण में अहम भूमिका निभा सके। इसीलिए अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए भी निर्देशन आवश्यकता होता है। अगली बात है मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता। मनुष्य की आधार को आधारभूत आवश्यकता है, ठीक है ना। मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता यानी कि जो मनुष्य की अपनी आवश्यकताएं होती है, बेसिक नीड्स होती है, आधारभूत आवश्यकताएं होती है, उनकी पूर्ति के लिए उनको किस तरह से प्राप्त करें, उनकी पूर्ति कैसे कर सके, उसके लिए बालक को उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसीलिए निर्देशन का आवश्यक होना चाहिए। उसके बाद आता है शहरी क्षेत्र। चौथी बात जो आपकी हवा आती है शहरी क्षेत्रों की दृष्टि, ठीक है ना। शहरी क्षेत्रों की दृष्टि से जब निर्देशन की आवश्यकता के बारे में जाती है, सबसे पहले आती है शिक्षा संबंधी। शिक्षा संबंधी क्योंकि शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के बहुत सारे अवसर या ऑप्शंस मौजूद होते हैं, बहुत सारे विकल्प बालक के पास उपलब्ध होते हैं। सही विकल्प क्या है उसका चुनाव करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात आती है मनोरंजन। मनोरंजन के बड़े कहा जाए शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से एकदम भिन्न प्रकार के मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध होते हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल सब जगह उपलब्ध होते हैं, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण, जैसे क्लब्स हैं, पब्स हैं, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं मनोरंजन के लिए जो कि बालक को उनके प्रति सतर्क करना बहुत अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर मनोरंजन के कौन से संसाधन बालक के लिए लाभकारी है, कौन से संसाधन उसके लिए हानिकारक है, उसके व्यक्तित्व के विकास के उत्पादन के, उसके कहना चाहिए उसकी प्रतिष्ठा, उसके कहना चाहिए विकास के लिए जो बाधा उपस्थित कर सकते हैं, उनसे बालक को अवगत कराना और सही मनोरंजन के संसाधन और सही अपनी योग्यता क्षमता रुचि के अनुसार उचित मनोरंजन के संसाधन के चुनाव के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में है श्रम के दृष्टिकोण से। श्रम श्रमिकों की दृष्टि से श्रमिकों की दृष्टि श्रमिकों क्योंकि शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए बहुत सारे व्यावसायिक अवसर उपलब्ध हैं, बहुत सारे उद्योगिक फैक्ट्री हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, तो ऐसे में उनकी योग्यता क्षमताओं के अनुकूल, उनके रुचि के अनुकूल कौन सा व्यवसाय या कौन सा श्रमिक
कौन से ऐसे संसाधन उपलब्ध है जिससे कि वह उन कार्यों को करके अपने जीवन को सरल सुगम और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति को आसानी से कर सकता है। इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होगी। अगली बात आती है व्यवसाय। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय के बहुत सारे अवसर या साधन उपलब्ध होते हैं, तो ऐसे में इनकी सभी और उचित जानकारी बालक को होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है परंपरागत व्यवसाय अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में परंपरा के अतिरिक्त और भी कई सारे व्यावसायिक जो है ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, विकल्प उपलब्ध होते हैं, तो उनको समझना जानना और उनको किस तरह से अपनाया जा सकता है, किस तरह से व्यवसाय को किया जा सकता है की जानकारी के लिए निर्देशन आवश्यक होता है। फिर बाद में है महिलाओं के लिए, महिला विकास और छठी बात जो सुनाएंगे हमारे नागरिकता के गोल, ठीक है ना, यहाँ पर महिला विकास और नागरिकता के गोल, यानी कि महिला विकास या नागरिकता के गोलों की जहां तक बात आती है, तो महिलाओं के विकास के लिए किस तरह से निर्देशन होना चाहिए और किस तरह से महिलाओं के विकास किया जा सकता है, क्या उनके प्रयास हो सकते हैं, कौन से अवसर उपलब्ध हैं, फिर नागरिकता के लोगों के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। और अगली और अंतिम बात जो यहाँ पर आती है वह आती है ग्रामीण क्षेत्रों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसीलिए तो सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है आर्थिक दृष्टिकोण से, सबसे पहला निर्देशन की आवश्यकता है आर्थिक ठीक है आर्थिक दृष्टिकोण से, क्यों, क्योंकि वहां ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो ऐसे में एक सुगम सरल आरामदायक जीवन जीने के लिए कितने आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है, कैसे जुटाया जा सकता है, से संबंधित निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन कम होते हैं, ऐसे में वो किस तरह से अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। शिक्षा के दृष्टिकोण से दूसरी बात आती है शिक्षा, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकल्प नहीं और न ही उनके पास उचित सूचनाएं उनके पास होती है, शहरी क्षेत्रों में विकल्प अधिक होने के साथ सूचनाएं भी अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती है, जिसकी वजह से बालक सही विषय का चुनाव नहीं कर सकता, इसीलिए शिक्षा के दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से निर्देशन की आवश्यकता होती है। फिर सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टि से क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सामाजिक दृष्टिकोण से एक अलग ही घनिष्ठ संबंध जुड़ाव या लगाव देखने को मिलता है, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक जीवन कैसा है, वो शहरी क्षेत्रों में सामाजिक जीवन से एकदम भिन्न होगा, शहरी क्षेत्रों में सिर्फ एक व्यवसाय की आवश्यकता के अनुकूल ही संबंधों की घनिष्ठता होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी आवश्यकता के बिना किसी जरूरत के एक स्वतः ही घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, तो ऐसे में सामाजिक दृष्टिकोण से संबंधों को किस तरह से संरक्षित रखा जाए और उनका पोषण किया जाए, इससे संबंधित निर्देशन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आता है जनसंख्या, जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है, कहीं पर जनसंख्या वृद्धि की समस्या आती है, जनसंख्या का शहरी क्षेत्र में पलायन की समस्या आती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या की कमी हो जाना जिसकी वजह से संसाधनों को जुटा पाना या व्यवस्था कर पाना कठिन हो जाता है, तो ऐसे में उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है कि जनसंख्या का बैलेंस किस तरह से बनाए रखें और ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त आवश्यकताओं के समस्त संसाधन किस तरह से उपलब्ध कराए जाए कि बालक शहरी क्षेत्रों में जाने की विचारधारा को सही जनसंख्या
निर्देशन है किस तरह से उसको बैलेंस या संतुलित बनाए रखना चाहिए, संतुलन बनाए रखना चाहिए, किस दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है, फिर स्वास्थ्य और सामाजिक, पांचवा मॉडल है स्वास्थ्य। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सबसे अधिक समस्या पाई जाती है क्योंकि वहां पर जानकारी का अभाव होता है, संसाधनों की कमी होती है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो किस तरह से पौष्टिक भोजन ले सकता है, स्वास्थ्य किस तरह की सफाई की आवश्यकता है, किस तरह के कम संसाधनों में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकता है, इस तरह की विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए निर्देशन की आवश्यकता अंतिम मात्रा की राजनीति। राजनीतिक दृष्टिकोण से शहरी क्षेत्रों की तुलना में राजनीतिक जो गर्मी जिसको कहते हैं या राजनीतिक उबाल जिसको हम कहते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर कम जनसंख्या होगी जिसकी वजह से हर व्यक्ति प्रत्यक्ष से सीधा सीधा राजनीति से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि स्थानीय राजनीति बहुत अधिक गर्म रहती है, ऐसे में एक कहना चाहिए कि सौहार्दपूर्ण एक कहना चाहिए अच्छा राजनीतिक वातावरण किस तरह का बने, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह की शासन व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग दिया जाना चाहिए, इन सभी से संबंधित निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो निर्देशन की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इन पांच बिंदुओं के आधार पर हम निर्देशन की आवश्यकताओं को हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात सात बिंदु को भी मिलाकर हुए जो पहले और अभी भी मिलाकर, तो हम आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि निर्देशन की आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।